विशाल आपको सक्सेस फिक्स प्रोग्राम में स्वागत है और आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन कि आपने 64th बीपीएससी में फोर्थ रैंक प्राप्त किया है अपने थर्ड अटेम्प्ट में। ये बड़ा ही कमेंडेबल है। कैसे हुआ, कैसे आपने प्राप्त किया, कैसी जर्नी रही, आज इसी की चर्चा आपके साथ इस प्रोग्राम में करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम का मकसद ये होता है ताकि आपकी बात को सुनकर फ्यूचर जो कैंडिडेट्स हैं कनेक्ट कर सके और वो भी आपसे इंस्पायर्ड होकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकें और भटकने से बचे। तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है और क्या जर्नी रही अपने एजुकेशन वगैरह में, कैसे कहाँ से प्राप्त किया आपने? मेरा नाम विशाल है। मेरी क्लास 8 तक की पढ़ाई सेंट जेवियर साहिबगंज में हुई है, जो उस समय बिहार हुआ करता था। राइट। 10th मैंने CBSE बोर्ड से समस्तीपुर से किया है। 12th की पढ़ाई मैंने कोटा से की, उसके बाद ग्रेजुएशन मरीन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता से। कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने तैयारी करना शुरू किया। Right. और इस तैयारी के दरमियान मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्रैक करना कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसके साथ मैं बाकी भी कुछ एग्ज़ाम्स देता रहा। तो जॉब के साथ साथ ही मैं प्रिपेयर करता रहा और ये पूरी तैयारी मेरी खुद की ही थी। ओके, तो ये जॉब किस तरह का जॉब कर रहे थे आप? सबसे पहले मैंने IBPS 2013 के थ्रू जॉब लिया था बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता में। तो वहाँ मैं 2018 तक एज अ स्केल 1 था और जब स्केल 2 होने वाला था फिर उसके पहले मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरा जो मेन एम है सिविल सर्विसेज का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ओके, तो इसने फिर आपने फोकस किया। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं विशाल, कहाँ रहते हैं आजकल? मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से, उन्होंने बीपीएससी के ही थ्रू माइंस में नौकरी की थी, वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस से रिटायर हुए थे। राइट। तो उनका अधिकतम जो सर्विस करियर था वो बिहार में था। और मेरी माँ प्रिंसिपल है SSB कॉलेज कहलगांव में। ओके, तो अब एक्चुअली एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपको सपोर्ट घर से मिला। राइट। अभी आपने चर्चा की कि आप पढ़ाई करने के दौरान कोटा भी गए, फिर इंजीनियरिंग भी कहीं और से गई, तो एक इसका मतलब है कि आपने मेडिकल या इंजीनियरिंग की भी तैयारी आप कर रहे थे कुछ? हाँ, मैंने IT की तैयारी की थी और फिर मैंने मरीन इंजीनियरिंग किया उसी के थ्रू। ओके, सिलेक्शन हो गया, फिर वहीं से आगे बढ़ करके किया। तो एक क्या ये जो आइडिया है सिविल सर्विसेज में जाने का, खास करके बीपीएससी में जो आपने अपना सारा फोकस किया, तो वो आइडिया कब से और कैसे आया आपके मन में? ये आइडिया मुझे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के बाद आया, क्योंकि मेरे फादर का स्पेशली झुकाव था इसकी ओर, वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज का एक बार ट्राई करूँ, तो फिर वहीं से मुझे लगा कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि आप थर्ड अटेम्प्ट में ऑल बिहार आपने फोर्थ रैंक प्राप्त किया है, तो ये बताइए कि ये तीन जो जर्नी रही पहले दो में, उसमें क्या हुआ, कैसे कैसे आप आगे बढ़ते गए? पहले दो अटेम्प्ट्स टेक्निकली तो मेरे अटेम्प्ट थे, पर मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैं बैंक में जॉब कर रहा था, तो डीमोनेटाइजेशन का टाइम था, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था प्रिपेयर करने के लिए और कट ऑफ मेरा एक दो नंबर से छूट जा रहा था। मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था अपनी प्रिपरेशन को और ना चाहते हुए भी मुझे रिजाइन करना पड़ा। इसी बीच में SBI PO में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था दो बार, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था वर्क का, तो मुझे लगा कि वहाँ जा कर के भी मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो मुझे रिजाइन करना पड़ा। तो दो अटेम्प्ट जो है उसमें आपने पहले में प्री क्वालिफाई किया नहीं किया, क्या बताया आपने? नहीं, उस टाइम डीमोनेटाइजेशन हो रहा था और काफ़ी प्रेशर था, तो पढ़ाई और रिविजन का बिल्कुल भी मुझे वर्क नहीं मिल पा रहा था। और शायद में क्या रहा, सेकेंड अटेम्प्ट में भी मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ब्रांच का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था और पढ़ाई का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था, तो प्री उसमें भी नहीं हुआ, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में आप तीनों स्टेजेस क्रॉस करके। फिर मैंने रिजाइन करने के बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू ऑडिटर के पद पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोलकाता में ही जॉब किया। वहाँ थोड़ा मुझे लगा कि सैटरडे संडे फ्री रहता था, तो मैं काफ़ी यूटिलाइज करता था उसे, और वर्क प्रेशर थोड़ा कम था कम्पेयर टू बैंक, तो मैं जस्टिफाई कर पा रहा था अपने जॉब को भी और प्रिपरेशन को भी। और फिर उसके बाद मैंने वो पहला सीरियस अटेम्प्ट था मेरा जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ज्वाइन किया था, और फिर मुझे लगा कि शायद प्रिपरेशन अच्छा रहा होगा। तो चलिए, आपके पास एक तो एक जर्नी है, आपने जॉब भी किया, तैयारी भी एक लंबी रही, तो नेचुरली आपके साथ जो डिस्कशन है स्टूडेंट के काम आएंगे। तो आप ये बताएं कि कहते हैं ना ऑल की वेल बिगन इज हाफ डन, दो बार आपका नहीं हुआ, आपने परिस्थितियाँ भी बता दी, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में आप फोर्थ रैंक लेके बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि आप आगे वाले कैंडिडेट को अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे कि उनको अपने प्री मेंस
इंटरव्यू तीनों के हिसाब से कैसे अपनी स्ट्रेटजी स्पेशली बिगिनर्स को करना चाहिए, जो बीच में फंसे हुए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आपने कुछ सोच के डिटर्मिनेशन लिया है सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए, तो उसे पहले तो आप बीच में हताश होकर नहीं छोड़े, क्योंकि किसी को भी आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छा रैंक या मनचाहा पद नहीं मिल जाता। तो कभी ना कभी आपको फेलियर फेस करना होगा, और उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग रहना होगा। सिविल सर्विसेज की तैयारी इट्स जस्ट लाइक मैराथन, आप बहुत कम समय में आप ज़्यादा मेहनत करके थक नहीं सकते। जब तक आपको रिजल्ट आपके सेटिस्फैक्शन के अनुसार नहीं मिलता है, आपको तैयारी करते रहना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया है, आप दूसरों की गलतियों से सीखिए तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा वाइड रहेगा। सफलता से इंसान बहुत कुछ सीखता है, चुनौतियां समझता हो, राइट? हरिवंश राय की वचन की एक लाइन है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसमें लास्ट की लाइन में कभी यही कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे आप अपने संघर्ष को, मैदान को छोड़ते नहीं है, लगे रहते हैं तो आप उसको प्राप्त करते हैं। तो विशाल, एक्चुअली ये कुछ जो बेसिक टिप्स जो प्री के लिए देना चाहेंगे, क्योंकि दो बार आपका नहीं हुआ है ना, कि प्री क्वालिफाई करने के लिए जो बेसिक टिप्स है कि जो एक श्योर शॉट बन सकता है कैंडिडेट के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। प्री जो मैं दो बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, उसका बेसिक रीजन यही था कि रिविजन और मॉक्स नहीं दे पा रहा था मैं बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं कर पा रहा था। और इस एग्जाम में अगर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम का फील आप पहले ही ले लीजिए, उसके लिए ही मॉक्स है। आप अगर मॉक्स पर अपना नॉलेज यूज नहीं कर पाएंगे तो फाइनली आप अल्टीमेट डी डे पे जाके आप डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मॉक्स मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ऑफिस के कारण, उसके कारण मुझे लगता है कि हर बार एक दो नंबर के लिए मेरा कट ऑफ रह जा रहा था। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे एग्जाम का, उतना ही गलतियों के चांसेस कम होते चले जाएंगे। दैट्स वेरी गुड। एक जो है ना, देखो क्या पढ़े क्या छोड़े, ये बहुत कॉम्पिटिशन में, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी, स्टूडेंट के मन में बड़ा डिलेमा रहता है कि क्या रेलेवेंट स्टडी करें, कैसे पढ़ें, कितनी किताबें पढ़ें, इसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या अनुभव है आपका? सबसे पहले तो पास्ट 5 ईयर्स या हो सके तो आप पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। और जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, आपके सामने सिलेबस हैंड रिटन होना चाहिए। हैंड रिटन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रिंट लेकर चिपकाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप खुद से लिखते हैं तो सिलेबस की एक एक बारीक शब्द आपको याद रहती है। और जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसका रेलेवेंस निकालते हैं कि मुझे इस पेपर में ये टॉपिक है तभी मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, आप कुछ भी इररिलेवेंट डेटा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा रेफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। विशाल, आपने जो बात कही, मैं ऑडियंस को आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, पिछले कुछ इंटरव्यूज में भी मैंने इस चीज को रिपीट किया, लेकिन खुशी है कि आपने इस बात को खुद अपने ओर से रखा कि अपने हैंडराइटिंग में जब आप सिलेबस को खुद लिखते हैं तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है, क्योंकि हर राइटिंग, हर किसी की राइटिंग एक पिक्टोग्राफिक स्टाइल में, हर इंसान के लिखने का स्टाइल अलग होता है जो अपने व्यक्तित्व से मैच करता है। जो चीजें टाइप्ड हैं डिजिटल फॉर्म में, वो रिकॉर्ड कम होती है, तो जब आप लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में एक क्लैरिटी आ गई, और ये सिलेबस वेल रिसर्च करके बनाया जाता है जो आपके बाउंड्री लाइन है। यदि आप किताब को कवर करने में लगेंगे तो नेचुरली आपका समय बहुत खराब होने जा रहा है। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको सही डायरेक्शन और स्ट्रीम लाइन रखेगा, भटकने नहीं देगा। किताबों के भीड़ में एनसीईआरटी बुक्स की चर्चा विशेष तौर पे होती है कि एनसीईआरटी बुक्स जो है आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने में काफी सहायक होंगे, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेसिक्स बिल्ड करता है। एनसीईआरटी बुक पढ़ने का मैंने जो तरीका अपनाया था, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि सारे एनसीईआरटी बुक्स का मैंने एक जिस्ट निकाला था और कुछ A4 साइज शीट्स में
जो डेटा मुझे लगता था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कुछ मुझे नया मिलता था जिससे मुझे लगता था कि प्री में कुछ अच्छा क्वेश्चन बन सकता है या मेंस में मैं इसको लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया था, हिस्ट्री के कुछ 10-15 A4 साइज शीट्स में उसका जिस्ट निकाल दिया था ताकि बाद में मैं उसको रिवाइज कर सकूँ, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले आप पूरा क्लास 6 टू क्लास 12 की सारी किताबें आप शायद एक बार में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आप लेवल अप करते हैं, आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, बाकी और किताबें पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्हाट का सवाल नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों है, तो व्हाई बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। That is very good you're saying, and उसके अपने मार्क कर करके ब्रीफ पॉइंट्स बना के यदि आप कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज करने में काम आए तो दैट विल वेरी गुड। करंट अफेयर्स ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट करंट अफेयर्स में इतने सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन, बहुत लोगों की सलाह, बहुत कन्फ्यूजन होता है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, तो आपने कौन किस तरह के न्यूज़ पढ़े और कैसे अपने करंट अफेयर्स को ऑर्गेनाइज किया ये जरा बताइए। करंट अफेयर्स के लिए दो न्यूज़पेपर्स काफ़ी अच्छे हैं, एक तो द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस, आप किसी एक को भी प्रेफर कर सकते हैं, पर आप एक से ज़्यादा सोर्सेज रेफर मत करिए क्योंकि फिर आप सारा दिन न्यूज़पेपर ही रीड करते रह जाएंगे। न्यूज़पेपर में भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए आपका, 45 to 60 मिनट्स में आपको वो न्यूज़पेपर से अपनी ज़रूरी की सारी चीज़ें आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल लग रहा है तो आप अपने नोट्स में उसको कॉपी डाउन कर लीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी ज्ञान बढ़ा रहे हैं, न्यूज़पेपर से आपको कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट करना है जो आपको एग्जाम में यूज़ आए, जस्ट नॉट जस्ट फॉर नॉलेज। और करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, कोई भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग का आप करंट अफेयर्स ले लीजिए, किसी का भी आप लेंगे लगभग 80 to 90% डेटा सेम होता है, हो सकता है 10% वैरी करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, और उसे बार बार रिवाइज करिए। रिवाइज इन द सेंस आप जब मॉक देंगे, मॉक पे आपको लगेगा कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है, एंड देन शायद आपसे गलती हो जाए, तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये पढ़ा था और क्या मैं भूल गया। तो जो चीज़ें आप मॉक्स में सही कर रहे हैं उसे आपको बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आप मॉक में गलती कर रहे हैं उसके लिए आप मॉक की एक अलग से कॉपी बनाइए, हर सब्जेक्ट के लिए 5-10 पेजेस आप अलॉट करिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, और जो जो आप गलतियां करते हैं वो आप उसमें मॉक टेक अवे, जिसको मैं कहता था मॉक टेक अवे, आप उसमें नोट डाउन करिए इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, और जब प्रीलिम्स या मेंस जो भी सामने आ रहा होगा तो एक रात में आप सारा कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन आप उसी कॉपी को रिवाइज करेंगे जो गलती आपने साल भर की है। एक टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल इशू है कि आप कितने देर पढ़ें, क्या कई लोग तो उसी चीज में लगे थे कितने घंटे पढ़ना है क्या पढ़ना है, तो इट इज आप इस बारे में अपने अनुभव से बताइए, चूंकि आप जॉब में रहते भी तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे की पढ़ाई आपकी थी और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट क्या था? जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि काफी लोग कहते थे कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, वरना नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं ज्यादा पढ़ता था बट आउटपुट नहीं होता था, तो ये एग्जाम नंबर ऑफ आवर्स से ज्यादा कि आप कितना आउटपुट उससे निकाल सकते हैं, आप किताब लेके बैठे रहेंगे पूरी रात भर और कितना आउटपुट निकालते हैं इसमें काफी ज्यादा अंतर है। तो मुझे अपना जॉब जस्टिफाई करना था, फैमिली को भी टाइम देना था, मैं मैरिड हूँ, तो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए मुझे था कि मैं जब भी पढ़ूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है आज के जनरेशन में, तो मैं मोबाइल फ़ोन्स का बहुत कम इस्तेमाल करता था, बस मुझे जब कुछ इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट करना था तो तब मैं सेल का यूज़ करता था। इसमें देखिए क्या है कि अपने डिस्ट्रैक्शन से जितना बचेंगे उतनी आपकी टाइम होगी, और इन टर्म्स इन प्लेस ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ आवर्स यदि आप क्वालिटी वर्क करें तो ज़्यादा मायने रखता है। वो बहुत अच्छी बात की आपने। अब आप पे हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड इसका भी आंसर दीजिए, क्योंकि एक लंबा समय होता है आपके लिए भी, एक लंबा समय था, अपने मोटिवेशन लेवल को कैसे बनाए रखे इसके बारे में बताइए। मेरा मोटिवेशन था कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे तैयारी करनी है और सेलिंग नहीं करना, जॉब नहीं करना, तो मेरा जो मेन थ्रस्ट था मेरे फादर थे, तो उनको मैं हमेशा बोलता रहता था, और वो उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा कट ऑफ मिस हो जा रहा है, हर बार प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो काफ़ी उनको देख के मुझे लगता था कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है तो मुझे करना है। इनफैक्ट जब मैं ऑफिस में भी जॉब करता था, घर जाता था, तो मेरे बेटे को थोड़ा सा था, उसे लगता था कि मैं उसे टाइम नहीं देता हूँ, और मैं हमेशा पढ़ता रहता था, तो यूज टू जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसे ये लगने लगा कि ठीक है ये यही करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, तो मुझसे पूछता था कि आपकी पढ़ाई कब खत्म होगी, तो मुझे एक अंदर में था कि मुझे उसे प्रॉमिस करना है, एंड वो काफ़ी छोटा था तो उसे समझ में नहीं आता था कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसे यही लगता था कि शायद मैं
पुलिस बन जाऊंगा एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कि आप पुलिस कब बनेंगे. सो मुझे ये था कि मैंने उसे प्रॉमिस किया है तो मुझे करना है एट एनी कॉस्ट. अच्छा, सर्विस सिलेक्शन में कौन सी जॉब मिली है आपको? एसडीएम. एसडीएम है तो आपको वो पुलिस की बात कर रहा था, तो हमने इसलिए कहा कि आपको इसके हिसाब से डीएसपी, लेकिन आपके चॉइस डी एसडीएम की थी. वेरी गुड जी. बड़ा होकर के उसके लिए भी एक इंस्पिरेशन होगा, जो बचपन से आपको देखते रहा कि मुझे फादर एसडीएम बन रहे हैं तो मुझे डीएम बनना है. राइट, वेरी गुड फॉर दैट. आप क्या यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं कि आपने कहा अभी वो पीएससी? नहीं, मैंने इस बार मेंस दिया था. तो अभी आगे भी अटेम्प्ट लेंगे आप उसके लिए? हाँ सर, देखते हैं अगर टाइम मिला तो. अच्छा, अब ये बताओ विशाल कि आप जो हैं, जैसे प्री की बात तो आपने चर्चा कर दी, प्री में एक बात जो एग्जामिनेशन स्किल की बात होती है, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइम्स लिमिटेड है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एवी अभी तक बीपीएससी में, तो सबको ध्यान रखते हुए कुछ एग्जामिनेशन स्किल की थोड़ा चर्चा करिए आप. क्या बात का ध्यान रखना चाहिए कैंडिडेट को? प्री में सर आप बहुत ज़्यादा अगर पढ़ रहे हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कट ऑफ पार कर जाएंगे. और बीपीएससी का जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 एग्जाम से कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है. आप जनरल कैटेगरी बोलिए या रिजर्व कैटेगरी, सबका ही कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है. तो प्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं मॉक इसलिए बोलता हूँ कि अल्टीमेटली उस दिन जाके आपको एग्ज़ाम ही देना है, तो क्यों ना पहले अपने आप को उस तरह से ट्रेन कर ले. मॉक का भी टाइमिंग मैंने खास ध्यान रखा था कि जब आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उसी टाइम पे आप मॉक देने की कोशिश करिए, तो आपका बॉडी और साइकोलॉजी उस हिसाब से ट्रेंड हो जाएगा कि आप सेम टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. तो मॉक्स के लिए और भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है, जैसे बिहार से रिलेटेड आप सारी चीज़ें, जैसे करंट अफेयर्स है, मैं मैप्स का बहुत यूज़ करता था. करंट अफेयर्स के लिए क्या है कि एक मैप में मैंने सारी चीज़ें लिख दी, तो मुझे एक बार में जब आप मैप देखेंगे आप सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेंगे कि बिहार में इस डिस्ट्रिक्ट में कोई नया इनिशिएटिव वो है, यहाँ कुछ है. आप कल्चर का एक मैप बना लीजिए पूरे बिहार का, आप ज्योग्राफी का बना लीजिए, करंट अफेयर्स का बना लीजिए, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप 6-7 मैप्स में पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे. और अब थोड़ी सी चर्चा जो हम लोग मेंस की करते हैं कि मेंस की जो स्ट्रेटजी है उसमें जो राइट क्या पैरामीटर है जिसके ऊपर में आपको ध्यान देना चाहिए जो एग्जामिनर देखना चाहता है, उसके बारे में थोड़ी बताइए. मेंस में मुझे लगता है कि GS1 का स्कोर अगर आप देखेंगे तो GS2 से हर कैंडिडेट का ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा रहता है. और GS1 स्टैटिक है और उसमें 2 DI के क्वेश्चंस आते हैं. मेरा बीइंग अ मैथ्स बैकग्राउंड, DI को मैंने इंश्योर किया था कि मुझे एक भी नंबर उसमें मिस नहीं करना है, तो बहुत अच्छे से मैंने DI प्रैक्टिस किया था. बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि ऐसा होता है, आपको पता है कि DI काफ़ी ईजी आता है इसलिए आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उस दिन प्रेजेंटेशन आप सही से नहीं कर पाते या हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाए और वो 2 क्वेश्चंस बहुत बड़ा एक ब्लो लग जाता है. तो DI मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था. और GS1 का जो फर्स्ट पार्ट है जो स्टैटिक है, उसमें अगर आप पिछले 5-10 साल का पेपर देखें आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेंगे, स्पेशली रिलेटेड टू मौर्यन आर्ट या पटना कलम और मधुबनी, या कभी वो सत्याग्रह से पूछ लेते हैं, कभी क्विट इंडिया. तो इसमें भी बिहार रिलेटेड हमें ज़्यादा लिखना है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा. लाइक मुझे मौर्यन आर्ट का जो क्वेश्चन आया था, मुझे पता था कि मुझे 6 पेजेस में विड डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना है और वो एकदम मुझे सोचना नहीं पड़ा, वहाँ पर काफ़ी टाइम बचा. फिर बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल, वहाँ पर आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं. और अगर आपका पहला पेपर काफ़ी अच्छा चला गया तो आपको एक मेंटल बूस्ट मिल जाता है और फिर आप ऑप्शन में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं. नेचुरली फिर आपको आगे आगे फिर आपका इंकरेजमेंट बढ़ता चला जाता है इसमें. विशाल, एक आपने मैथमेटिक्स रखा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट? जी. तो ये आपका बैकग्राउंड था इसलिए रखा, ये बहुत अभिरुचि थी इसलिए रखा? सर पहले मैंने ज्योग्राफी और पबैड लिया था ऑप्शनल में, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था और बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए मैंने ले लिया कि उस समय ये डिफ़ॉल्ट ट्रेंड चल रहा था. बट जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे लगा कि शायद दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था. और जब प्री ही नहीं निकल रहा था तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ऑप्शन स्विच करना चाहिए. फिर मैंने खुद से ही मैथ्स की तैयारी शुरू की. मैथ्स का भी मैक्सिमम पोर्शन से मैं कम्फर्टेबल था, बहुत अच्छा नहीं था, बट स्टिल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे लगा कि ये डुएबल है और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस देख के मुझे लगा कि ये रिस्क मुझे लेना चाहिए. मेरा नाम अर्चना कुमारी है. मैंने 64वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 25वां रैंक प्राप्त किया है और मुझे एसडीएम पद के लिए चयनित किया गया है. मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया भोजपुर से हुई है. उसके बाद मैंने 11th और 12th की पढ़ाई माउंट कार्मल हाई स्कूल पटना से किया है. मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से किया है.
अचानक क्या आईएएस एकेडमी में मैं इंटरव्यू के प्रिपरेशन के दौरान जुड़ी थी और मुझे यहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिला और इंटरव्यू अच्छा होने का एक नतीजा है कि मुझे अच्छा रैंक भी मिला। यहाँ के स्टूडेंट और बाकी स्टूडेंट के लिए मैं यही एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने ड्रीम और अपने गोल पर डिटरमिन रहें, वर्क हार्ड करें, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क ज़रूर करें और जो टीचर्स का आपके मेंटर का जो एक गाइडेंस है उसका सही उपयोग करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। एक ऑप्शनल सिलेक्शन में कुछ बेसिक टिप्स जो आप देना चाहेंगे कि एक सिलेक्शन में क्या ध्यान रखना चाहिए तो क्या बोलेंगे आप? प्रॉब्लम हो गया है कि लोग इंटरनेट पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि ऑप्शन क्या लेना है, ट्रेंड देखते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा हम इधर उधर की बातें ही करते हैं कि ये ऑप्शन लेने में तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑप्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका रुचि कितना है और आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है। अगर आपने उसमें ग्रेजुएशन की है, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये मैटर नहीं करेगा कि 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ या 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपको खुद का सिलेक्शन चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा अगर कंफर्टेबल हैं और आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे में आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको ये टेंशन नहीं हो कि मुझे इधर भी आउटपुट नहीं मिल रहा और जीएस भी मेरा खराब हो रहा है। बहुत सबसे प्राइम जो चीज मुझे लगता है कि इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में। इंटरेस्ट इज दैट इज सुप्रीम, वो करना है। विशाल, आपका इंटरव्यू, एक ही इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन भी अच्छा हुआ, नंबर भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। कितने नंबर आए आपके? मेरा 77 था सर। वेरी गुड। तो आप इंटरव्यू के थोड़ा बताइए कि इंटरव्यू में आपके हिसाब से जो मेंबर्स हैं क्या देखना चाहते हैं? सर, उन्होंने नॉलेज तो टेस्ट कर लिया है तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू इज मोर लाइक पर्सनैलिटी असेसमेंट। और जब भी आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट या नॉन सेलेक्टेड जो भी इंटरव्यू दे के आते हैं, बाकी लोगों का बस एक ही सवाल रहता है कि आपसे क्या पूछा। तो ये डेटा पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। अगर उनको आपका नॉलेज चेक करना है तो वो प्रीलिम्स में, मेंस में काफ़ी पेपर्स वो चेक कर चुके हैं, वो आपको पर्सनली बुला रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीज़न। वो देखना चाहते हैं कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं, अगर आपको एक प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे तो हमारे साथ वही होने वाला है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के, आपको उसे बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है। एंड वहाँ पर भी आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपकी सारी पढ़ाई है, आपका नॉलेज है, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी से आपको आंसर करना है। अगर आपको नहीं भी आता है देन स्टिल आपको बहुत ऑनेस्ट होना है और पोलाइटली उन्हें बोलना है कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल और समथिंग। तो वो आपकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं, ना कि आपका नॉलेज। आपके इंटरव्यू की शुरुआत कैसे हुई, चेयरमैन कौन थे और कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ, थोड़ा संक्षेप में उसका भी बताइए। मेरे इंटरव्यू के चेयरमैन करीबी सर थे और मेरे इंटरव्यू में सबसे पहले मुझे पूछा गया कि आप एक मरीन इंजीनियर हैं तो आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सर, एज अ मरीन इंजीनियर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर में होने चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन है। और एक मरीन इंजीनियर का होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। तो थोड़ा थोड़ा आपको हर किसी विभाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जानकारी ना हो भी तो चलेगा कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। उसके बाद मेरे जॉब के बारे में मुझे पूछा गया कि मैंने क्यों इतने जॉब स्विच किए और फिर हो सकता है मैं फ्यूचर में भी क्या स्विच करूंगा। कुछ डेटा टाइप क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए नेवी के बारे में कि पुराने ज़माने में नेवी आप बताइए जो आपको कौन से बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थे। मैंने चोलास के बारे में बताया, फिर उन्होंने कहा कि क्यों नेवी रखते थे, व्हाट वाज द रीज़न, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, सिक्योरिटी, ट्रेड, कहाँ तक उनका एक्सपेंशन था, साउथ ईस्ट एशिया में मैंने बताया। फिर उन्होंने एक डेटा वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि विच इज़ द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु आउटसाइड इंडिया। तो वो मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि वो इंडोनेशिया है या मलेशिया, तो मैंने उनसे बहुत पोलाइटली कह दी कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। मेरे प्रेजेंट जॉब के बारे में वो पूछ रहे थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है तो क्या गवर्नमेंट पे ये बर्डन है, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं तो क्या ये क्रिटिकल है, क्या हम इसे आउटसोर्स कर सकते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नॉन परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी क्यों नहीं है। तो उसे मुझे जस्टिफाई करना था और मुझे जहाँ तक लगा कि वो आप क्या आंसर दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो फोकस इस पे कर रहे हैं कि वो आंसर आप क्यों दे रहे हैं। तो रीज़न उनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहिए। आप कुछ भी स्टैंड ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है, आपको उसे प्रूफ करना होगा कि आपने जो भी कहा है इस रीज़न से कहा है। कन्विंसिंग वो आंसर जो है ना, ठीक है, वेरी गुड। विशाल, आपका सिलेक्शन हो चुका है, अब आगे SDM भी बन गए हैं, आगे एक होता है बिहार के परिवेश को ध्यान रखते हुए कुछ दिमाग में प्रायोरिटी होती है कि मैं SDM बनने के बाद कुछ इन चीज़ों पे विशेष फोकस करूंगा, ऐसा कुछ दिमाग में आपके पास अभी है?
सर बचपन से यहीं पर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बचपन से जो हमने देखा है, कुछ कमियां जो थी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन शायद और डेवलपमेंट हो सकता है। तो रूट लेवल पे काम करने पे मुझे लगता है कि इफेक्ट्स मिलेगा, सिर्फ ऑन पेपर काम करने से नहीं चलेगा। तो आप सुबह लेवल के अब आगे एक पक्के इरादे के साथ, मोटिवेशन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपने बहुत अच्छे समय पे अपना सिलेक्शन भी पाया, कि आप अपने करियर में बहुत ग्रो करें। And thank you very much for coming in this program, Success Speaks. God bless you. Yes, sir. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.